हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर, और आज मैं आपको बताने वाला हूं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लास 12th का, और उस टॉपिक का नाम है इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन। तो इस वीडियो में हम समाकलन से रिलेटेड जो भी हमारा इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, उन सारे फार्मूलाओं को हम एक एक करके इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और अक्सर स्टूडेंट फार्मूला जानते हुए भी भूल जाता है, लेकिन हम आपको ऐसा तरीका बताने वाले हैं जिससे कि आप आसानी से हमेशा के लिए फॉर्मूला याद रख सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिए ताकि आपको कोई भी फॉर्मूला मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो शुरू को। करते हैं आज के इस वीडियो को। इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इंटीग्रेशन का जो भी हमारा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को हम लोग कैसे याद हमेशा के लिए रखें। तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, एकदम शुरुआत से अच्छा से एक एक फॉर्मूला को समझना होगा। ठीक है, तो पहले तो आप लोगों को डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, और डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला अगर आप लोग याद कर लिए हैं तब तो आपका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आसानी से निकाल सकते हैं। और कैसे निकालेंगे यह भी हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि इंटीग्रेशन का परिभाषा क्या होता है, इंटीग्रेशन किसे कहते हैं। तो ये देख पा रहे होंगे यहां पर कि इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। एक लाइन में इसको कह सकते हैं कि समाकलन जो है अवकलन का विपरीत प्रक्रिया है। अब विपरीत प्रक्रिया का मतलब क्या होता है, उल्टा आप लोग समझते हैं। तो यहां पर जो आप डिफरेंशिएशन जो आप पिछले चैप्टर में पढ़े थे, उन सारे फॉर्मूलाओं को हम लोगों को इसमें जरूरत पड़ने वाला है। तो आप एक बार डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला जरूर देख लीजिए, ठीक है। वो अभी आपको यूट्यूब पर मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो ये आप लोग समझ गए कि समाकलन क्या होता है। तो अवकलन का विपरीत प्रक्रिया है। अब विपरीत कहने का मतलब उल्टा, जैसे देख सकते हैं यहाँ पर, इसका अर्थात इस तरह से हम समझ सकते हैं कि d/dx अगर f(x+c) का डिफरेंशिएशन किया जाए तो मान लीजिए कि स्मॉल f(x) आता है। ये कौन सा है, कैपिटल f(x) है, ठीक है। और मान लीजिए कि कैपिटल f(x+c) का डिफरेंशिएशन करने के बाद स्मॉल f(x) आता है, तो इंटीग्रेशन के परिभाषा के अनुसार हम लोग क्या कह सकते हैं कि f(x) का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको रिजल्ट कौन सा मिलेगा, f(x+c) मिलेगा। इसी को हम इस तरह से इंटीग्रेशन में लिखते हैं। ये इंटीग्रेशन का साइन है। किसका साइन है बुआ सर, इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन f(x) dx बराबर कितना लिखेंगे, ये वाला मान लिख देंगे, तो f(x+c), ठीक है। और याद रखिए एक बात कि इंटीग्रेशन दो तरह के होते हैं, एक डिफिनिट होता है और एक इनडिफिनिट होता है, यानी कि एक अनिश्चित होता है और एक निश्चित होता है। तो अभी हम जो भी आपको फॉर्मूला बताने वाले हैं, पहले वह अनिश्चित समाकलन होगा। तो अनिश्चित समाकलन में आपको सी जोड़ना अनिवार्य होता है, ठीक है। तो अंत में आप लोगों को हर हाल में क्या जोड़ना है, सी जोड़ना है। चलिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, इस बात को हम लोग समझते हैं। तो जैसे यहां पर आप देख पा रहे होंगे, देखिए ध्यान से, कि एक साइड लिखा गया है डिफरेंशिएशन और दूसरा तरफ लिखा गया है इंटीग्रेशन। तो पहला तरफ डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन का फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, और दूसरा तरफ हम लोग कैसे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बनाते हैं डिफरेंशिएशन के मदद से। अगर आपको बनाना आ जाए तो आप हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। जैसे देखिए, पहला नंबर फॉर्मूला है d/dx x^(n+1)/(n+1)। अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करके देखिएगा तो कितना आएगा, x^(n) आएगा। अब आप सोचिए, अभी आपको समाकलन का परिभाषा बताया गया कि अगर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो अगर x^(n) आए तो x^(n) का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना मिलेगा, उल्टा। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं x^(n) का इंटीग्रेशन क्या होगा, x^(n+1)/(n+1), और प्लस में आपको हर हाल में क्या जोड़ देना है, सी जोड़ देना है। और जहां पर आप याद रखिएगा कि n का जो मान है वह -1 नहीं होगा, ठीक है। -1 क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ -1 + 1 मिलजुल के कितना, 0, और नीचा में 0 रहेगा तो अपरिभाषित हो जाएगा। इसीलिए यहां पर कहा गया है कि n का मान -1 नहीं लेना है, ठीक। अच्छा, तो ये तो फॉर्मूला समझ गया पहला, कि x^(n) dx का क्या होता है, x^(n+1)/(n+1)+c, ये इंटीग्रेशन के लिए, ठीक है। अब दूसरा फॉर्मूला देखिएगा, आप जानते हैं कि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। तो आप इसी को उल्टा करके लिख दीजिए, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, और प्लस में आप तो समझ ही रहे हैं कि आपको क्या जोड़ना है, c जोड़ना है। उसी तरह से याद कीजिए
कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता था, जीरो होता था। तो अब आप बताइए कि जीरो का इंटीग्रेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा, उल्टा, बस आपको उल्टा लिखना है क्योंकि आपको परिभाषा में ही बताया गया कि विपरीत प्रक्रिया है। तो बस जैसे देखिए x का 1 होता है तो 1 का क्या होगा, x होगा, कांस्टेंट का 0 होता था तो 0 का क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये समझ में आ गया होगा ना। अब और फार्मूला कुछ देखते हैं, जैसे आप ट्रिगोनोमेट्री में आ जाइए, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, देख लीजिए ट्रिगोनोमेट्री का, कि जैसे साइन का डिफरेंशिएशन आप जानते थे कि कॉस होता है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है। तो अब इसी को अगर इंटीग्रेशन में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, कि कॉस का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, साइन मिलेगा। यहाँ पर आप फॉर्मूला मत सोचिएगा, बस आप डिफरेंशिएशन का यहाँ जो फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है वही रहेगा, और इसको आप उलट दीजिएगा तो आपका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बनते जाएगा। जैसे देखिए साइन का कॉस होता था, तो अब आप बताइए कॉस किसका डिफरेंशिएशन है, साइन का, तो आप साइन एक्स प्लस सी लिख दीजिए, ठीक है, प्लस सी आपको जोड़ना है। उसी तरह से देखिए कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। तो आप याद रखिए ये जो माइनस है ना, माइनस हम ना लिख के यहाँ पर सिर्फ साइन एक्स लिखे हैं। अगर साइन का डिफरेंशिएशन करें तो ये जो माइनस आपको इधर दिखाई दे रहा है इसको आप इधर भेज दीजिएगा। तो सोचिए अगर हम साइन सिर्फ लिखे हैं तो ये वाला माइनस किधर जाएगा, इधर। तो हम क्या लिखेंगे, साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉस एक्स, और प्लस में क्या जोड़ेंगे, सी, ठीक है। उसी तरह से टैन का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो अब आप बताइए कि सेक स्क्वायर एक्स का किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो टैन एक्स का। तो अगर हम इसको इंटीग्रेशन में लिखना चाहें तो इस तरह से लिखेंगे कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, टैन एक्स, और प्लस में तो सी आप जोड़ ही सकते हैं, ठीक है। और अगला देखिएगा कॉटेक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये याद है ना, कॉटेक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो अब आप सोचिए कि कॉसेक स्क्वायर एक्स का अगर आप इंटीग्रेशन कीजिएगा तो ये जो माइनस है ना, माइनस इधर भेज दीजिएगा, तो इसका आंसर क्या लिखेगा, माइनस कॉटेक्स, और प्लस में सी तो आप जोड़ेंगे ही, ठीक है। और अगला देखिएगा सेक एक्स, अब सेक एक्स का याद कीजिए डिफरेंशिएशन, तो क्या होता था, सेक एक्स इंटू टैन एक्स होता था। तो अब उसी तरह से सोचिए कि सेक एक्स इंटू टैन एक्स का इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, सेक एक्स मिलेगा। तो इस तरह से हम लिखेंगे सेक एक्स, और प्लस में सी तो जोड़ना अनिवार्य है, ठीक है। अब ये लास्ट इसका देख लीजिएगा ट्रिगोनोमेट्री का, कि कॉसेक एक्स, तो अब याद कीजिए कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉटेक्स होता है, ये डिफरेंशिएशन बता रहा है अभी। अब इसी को हम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉटेक्स। तो सोचिए हम यहाँ माइनस था, माइनस तो हम नहीं लिखे, तो क्या कीजिए इस माइनस को आप इधर भेज दीजिए। तो कॉसेक एक्स इंटू कॉटेक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन अगर हम करना चाहे तो क्या लिखेंगे, इस वाला माइनस को इधर लाएंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। तो इस तरह से आप, अगर आपको फॉर्मूला याद ना है तो आप अगर इस तरह से एक दो बार बनाइएगा तो हमेशा के लिए आपको याद भी रहेगा, और भूल भी जाइएगा तो आप जल्दी से बना भी सकते हैं, ठीक है। और आपको जनरली ये फॉर्मूला याद रखना, इधर वाला कि कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, सेक स्क्वायर एक्स का टैन एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉटेक्स, सेक एक्स इंटू टैन एक्स का सेक एक्स, और कॉसेक एक्स इंटू कॉटेक्स का माइनस कॉसेक एक्स, और सब में आपको सी तो जोड़ना है, ठीक है। तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे 9 नंबर। तो अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, अगला यानी कि 10 नंबर। देखिएगा 10 नंबर भी आपको उसी तरह से कि डिफरेंशिएशन इधर होगा और इसे हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं देखिएगा, कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आपको याद होगा, हमने आपको बताया था 1/2 रूट एक्स होता है। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। तो अब आप बताइए कि अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको यह मिलेगा, लेकिन हम क्या किए, इस 2 को छोड़ दिए और सिर्फ क्या लिखे हैं, 1/√x लिखे हैं। तो सोचिए अगर हम 1/√x लिखे हैं तो 2 तो यहां था, तो 2 को आप ये जो बटा में है ना, इधर भेज दीजिएगा, तो इधर भेज दीजिएगा तो क्या आएगा, 2√x आएगा। तो इस तरह से इसका जो आंसर आने वाला है वह होगा 2√x, और प्लस में सी तो आपको जोड़ना ही है, ठीक है। ये तो आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। उसी तरह से 1/x का डिफरेंशिएशन याद कीजिए क्या होता है, -1/x2 बताया गया था ना, 1/x का कितना होता है, -1/x2। अब आप इससे फॉर्मूला बना सकते हैं कि 1/x2 का इंटीग्रेशन अगर आप करना चाहे तो इस माइनस को आप इधर भेज दीजिए, तो 1/x2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, -1/x, और प्लस में सी तो आपको जोड़ना ही है, ठीक है। अगला देखिएगा फॉर्मूला e^x, ये को याद रखिएगा, e^x ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सेम रहता है, हूबहू, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे e^x का e^x से होता है, तो उसी तरह से e^x का इंटीग्रेशन भी क्या होगा, e^x ही होगा, और प्लस में सी तो जोड़ना ही है। जैसे आप देख लीजिए e^x, तो फिर e^x का इंटीग्रेशन तो e^x ही। यही एगो फॉर्मूला है जो आप लोगों को याद करना नहीं पड़ेगा, हमेशा जो क्वेश्चन रहेगा वही उसका आंसर होगा। अगला देखिएगा
डी बटा एक्स लॉग मोड एक्स। तो लॉग मोड एक्स का डिफ्रेंसिएशन आप जानते हैं कि 1/x होता है। लॉग मोड एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है? तो 1/x होता है। तो अब आप सोचिए कि 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना मिलेगा? लॉग मोड एक्स मिलेगा। तो वही हम लिखे हैं कि 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा? लॉग मोड एक्स, और प्लस में सी तो आप जोड़ते ही हैं, ठीक है। उसी तरह से आप याद कीजिए ए टू दी पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता था? ए टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ए। अब आप बताइए इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको ये मिलेगा, लेकिन इसमें एक लॉग ए क्या है? कॉन्स्टेंट है। तो लॉग ए को हम छोड़ दिए और सिर्फ लिखे हैं ए टू दी पावर एक्स, ये वाला, ठीक है, ए टू दी पावर एक्स लिखे। तो ये लॉग जो है ना कांस्टेंट है, तो इसको आप इधर भेज दीजिए। तो ये गुना में है तो इधर भेजिएगा तो कहाँ जाएगा? बटा में। तो इस तरह से हम लिखेंगे ए टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे? ए टू दी पावर एक्स यहाँ पे, और ये गुना में जो था वो कहाँ चला जाएगा? बटा में। तो इस तरह से आप याद रखेंगे ए टू दी पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? ए टू दी पावर एक्स बटा लॉग ए प्लस सी। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि डिफ्रेंसिएशन अगर ए टू दी पावर एक्स का करते हैं तो गुना में लॉग ए लिखते हैं, और ए टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो बटा में लोगे लिखते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट फॉर्मूला, यानी कि 15 नंबर से, ठीक है। तो 15 नंबर से आपको हम बताते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपको याद होगा डिफरेंशिएशन, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, और एक है लास्ट आपका कॉस एक इनवर्स एक्स, ठीक है। तो चलिए एक एक कर इस सारे फॉर्मूला को समझते हैं कि कैसे हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला याद होगा कि 1/√1 − x² क्या होता है? डिफ्रेंसिएशन होता है। तो बस आप इसको उल्टा करते जाइए। तो सोचिए अगर साइन का डिफ्रेंसिएशन किए तो इतना मिला, तो इतना का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना मिलेगा? साइन इनवर्स एक्स। तो इसको हम लिख दिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 − x², तो कितना मिलेगा? साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन आपको याद होगा −1/√1 − x². अब आप सोचिए इसका अगर आप इंटीग्रेशन कीजिएगा तो आपको कॉस मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आप गौर से एक बात देखिए कि 1/√1 − x² लिखें, लेकिन इन वाला माइनस तो हम ना लिखें, तो ये जो माइनस इधर है ना इसको आप इधर भेज दीजिए। तो क्या लिख सकते हैं? 1/√1 − x² का इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉस में अगर आप लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? −cos−1 और प्लस में सी तो आपको जोड़ना ही है। तो देखिए ये दोनों फॉर्मूला सेम है, गौर से देखिए इंटीग्रेशन 1/√1 − x², यह भी 1/√1 − x², तो साइन में अगर लिखना चाहे तो साइन इनवर्स प्लस होगा, और अगर कॉस में लिखना चाहे तो इसको क्या लिखेंगे? −cos−1 + c। अब दोनों फॉर्मूला में से जो मन हो आपका वो लगा सकते हैं। आंसर पर भी डिपेंड करेगा कि जिसमें आपको आंसर चाहिए, साइन में चाहिए तो साइन वाला लगाइए, और अगर आप इसका कॉस में चाहिए तो आप कॉस वाला लगा सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर आप टैन कॉट का सेम होता है, देखिए टैन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/√1 + x² होता है, तो अब आप बताइए कि 1/√1 + x² का इंटीग्रेशन क्या होगा? टैन इनवर्स एक्स होगा ना, तो हम लिख दिए टैन इनवर्स एक्स प्लस सी। उसी तरह से सोचिए कॉट इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन आपको याद होगा −1/√1 + x² होता है, तो 1/√1 + x² लिखे, हम माइनस नहीं लिखे तो इस माइनस को क्या करें? इधर भेज देते हैं। तो हम लिख देंगे इस तरह से कि 1/√1 + x² बराबर −cot−1 + c। अब ये फॉर्मूला दोनों देख सकते हैं, दोनों सेम है, तो आप टैन में चाहे तो प्लस में टैन लिखिएगा, और इसका अगर कॉट में लिखना चाहे तो −cot−1 + c लिख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला इस तरह से सेम तर करके आप याद रखेंगे। और अगला देखिएगा आपका है सेक इनवर्स एक्स। तो आपको याद होगा सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√√x² − 1। अब सोचिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको सेक इनवर्स मिलेगा, तो इसलिए हम लिखे इंटीग्रेशन 1/√√x² − 1 dx बराबर सेक इनवर्स एक्स और प्लस में सी जोड़ें, ठीक है। सी तो आप जोड़ते ही हैं, आपको जोड़ना अनिवार्य है, अगर आप नहीं जोड़ते हैं तो आपका गलत हो जाएगा। अगला देखिए 20 नंबर जो फॉर्मूला है आपका कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन याद होगा, ये ऐसा ही होता है, बस इसमें माइनस लग जाता है। तो −1/√√x² − 1 ये डिफ्रेंसिएशन होता है। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करना चाहें, जैसे इंटीग्रेशन 1/√√x² − 1 dx, तो क्या मिलेगा हमको? कॉसेक इनवर्स एक्स, लेकिन हम माइनस तो लिखे नहीं है, इसलिए माइनस को आप इधर लिखिएगा, तो −cosec−1 + c। तो सोचिए दोनों क्वेश्चन तो एक ही है, इसका भी अगर इंटीग्रेशन करें तो सेक में अगर लिखना चाहे तो प्लस सेक, और इसका अगर कॉसेक में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? −cosec−1 और प्लस में सी तो आप जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों को इनवर्स वाला कि 6 को फॉर्मूला। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला को देखते हैं।
समझ लेते हैं जिसमें कि आपको फॉर्मूला के रूप में ही है समझना है। जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपको याद होगा ना कि कॉस एक्स होता है। इस तरह से आपको एक नंबर ये डायरेक्ट दे सकता है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है बल्कि इसको बनाया जाता है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है और फिर एक्स का ए होता है, याद है ना डिफरेंशिएशन। तो अब आप सोचिए इसका अगर आप इंटीग्रेशन कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, साइन एक्स। तो इस ए को अगर हम छोड़ दिए तो ए को इधर ला सकते हैं। तो उसी तरह से लिखे हैं कॉस एक्स, ये वाला सिर्फ लिखे हैं कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, साइन एक्स, और गुना में ए था कहाँ चला आएगा, बट्टा में। तो इस तरह से लिख सकते हैं साइन एक्स बट्टा ए और प्लस में सी जोड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन इससे भी आप याद रख सकते हैं। एक और देख लीजिए, कॉस एक्स का अगर डिफरेंशिएशन करते थे तो क्या आता था, माइनस साइन एक्स और गुना में ए आता था, क्योंकि एक्स का तो ए आएगा ना। अब उसी तरह से सोचिए अगर हम चाहें तो साइन एक्स का अगर इंटीग्रेशन बनाना चाहें तो इसे हम कैसे बना सकते हैं, इस गुना में ए को बट्टा में भी देंगे, माइनस को भी इधर भेज देंगे, तो क्या लिखेंगे, माइनस कॉस एक्स और बट्टा में और प्लस में सी। तो इस तरह से अगर आप फॉर्मूला बना कर लिखते हैं ना तो आपको हमेशा के लिए याद रह सकता है। तो आप फॉर्मूला को बनाने का प्रयास कीजिएगा और खुद से एक बार जरूर बनाइएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अगला फॉर्मूला की तरफ देखते हैं। आप लोगों का फॉर्मूला है वह है 7.2 से रिलेटेड, आप याद रखेंगे इसको। जैसे टैन का डिफरेंशिएशन, टैन जो है किसी का डिफरेंशिएशन नहीं होता, कॉट भी किसी का डिफरेंशिएशन नहीं होता, सेक भी किसी का डिफरेंशिएशन नहीं होता है और कॉसेक भी नहीं होता, तो इसका भाई हम इंटीग्रेशन निकालते हैं कैसे हैं, तो देख लीजिए। इसका हम आपको जब थ्योरी के क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे तो इसको प्रूफ भी करके बताएंगे, ठीक है। यहां पर बस आप जान लीजिए कि फॉर्मूला क्या क्या होता है। तो टैन एक्स का इंटीग्रेशन होगा, दो फॉर्मूला होता है, एक तो माइनस लॉग मोड कॉस एक्स प्लस सी होता है, और अगर इस माइनस को हटाते हैं तो ये कैसे लिख सकते हैं, लॉग मोड सेक एक्स प्लस सी। यानी कि आप इस तरह से याद रखेंगे कि टैन का दूगो फॉर्मूला होता है, एक कॉस के रूप में और एक सेक के रूप में। अगर कॉस में लिखना चाहते हैं तो माइनस लॉग मोड कॉस एक्स प्लस सी, और सेक के रूप में लिखेगा तो लॉग मोड सेक एक्स प्लस सी, ठीक है। कॉट एक्स का एक ही फॉर्मूला होता है, लॉग मोड साइन एक्स प्लस सी, बस एगो। कॉट एक्स का कितना होता है, लॉग मोड साइन एक्स प्लस सी। अगला देखिएगा सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग मोड सेक एक्स प्लस टैन एक्स और प्लस में सी। अब इससे हम एक और नया फॉर्मूला निकाल सकते हैं, आप ट्रिगो का यूज करके एक नया फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, लॉग मोड टैन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू और प्लस में सी। इस तरह से आप लिख सकते हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। सेक एक्स का दो गो फॉर्मूला है, पहला आप यह याद रखें, ज़्यादा काम यही करेगा, ये कभी कभी आपको काम कर सकता है, लेकिन ये हमेशा के लिए आप याद रखेंगे कि सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो लॉग मोड सेक एक्स प्लस टैन एक्स प्लस सी, चाहे तो आप यह भी याद रख सकते हैं। 24 नंबर देखिएगा, इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स का क्या होता है, मतलब कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इसका होता है लॉग मोड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। इसका भी एक और फॉर्मूला होता है, चाहे तो यह भी याद रख सकते हैं, लॉग मोड टैन एक्स बाई टू प्लस सी। आप मेन जो है आपका यही फॉर्मूला है, ज्यादा आपको यही यूज करना है, लॉग मोड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो ये चार को आप याद रखेंगे, साइन टैन कॉट सेक एंड कॉसेक का, ठीक है। अब हम लोग अगला जो फॉर्मूला है आप लोगों का है इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, और उसका नाम है स्पेशल फॉर्मूला। और स्पेशल जो फॉर्मूला आप लोगों को, जो ये जो आपको छः को फॉर्मूला दिख रहा है, एक दो तीन चार पाँच छः, इसको हम छरत्तन के नाम से जानते हैं, ठीक है। आपको इस फॉर्मूला का यूज कहाँ पर करना पड़ेगा, तो आप 7.4 जब आप एनसीईआरटी का बनाइएगा तो आपको इस छः फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इस छः फॉर्मूला को इसीलिए हम छरत्तन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो चलिए हम एक एक फॉर्मूला को देखते हैं। पहला जो आपका है फॉर्मूला है इंटीग्रेशन 1/x² माइनस ए स्क्वायर डीएक्स। दूसरा देखिए, इसी को हम उलट दिए तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स बन गया इसी चीज को। तीसरा जो फॉर्मूला बना, ये माइनस माइनस दिखाई दे रहा था, इसको हम प्लस कर दिए तो ये तीसरा बन गया। फिर से समझिएगा, पहला एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दूसरा क्या किया, इसको उलट दिए तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बना, और माइनस के चलते हम क्या लिख दिए, प्लस बन गए। तो इस तरह से आपका तीन गो फॉर्मूला बना। इसी तीनों को हम अगर इसमें रूट लगा दिए, इसमें रूट लगा दिए, इसमें रूट लगा दिए, तो ये तीन गो और बनेगा। इधर देख पा रहे होंगे, इसमें रूट लगाए तो ये बना, इसमें रूट लगाए तो ये बना, और इसमें रूट लगाए तो ये बना। यानी कि अगर आप एक दो तीन से ही हम क्या बनाएंगे, चार पाँच और छः। तो देखिएगा, अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वन बाई इतना रहे तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/2a लॉग मोड एक्स माइनस ए बट्टा एक्स प्लस ए प्लस सी, ठीक है।
और अगर यही एक ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहे तो 1/2 तो इसमें भी होगा, लेकिन लॉग मोड इसमें क्या होगा, ए प्लस एक्स बट्टा ए माइनस एक्स प्लस सी। ये दोनों फार्मूला को आप अच्छा से एक बार दो तीन बार देख लीजिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। देखिए तीसरा जो फार्मूला है 1/x² प्लस ए स्क्वायर अगर रहे, इसका इंटीग्रेशन करना हो तो आप याद रखेंगे 1/a टैन इनवर्स x/a प्लस सी। अगर ये तीनों याद हो जाता है तो इसी तीनों से इधर रिलेटेड है, थोड़ा सा देखिएगा इस सब में तीन को रूट लगा देंगे तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि 1/√x²-a² अगर रहता है तो इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग मोड x प्लस √x²-a² मोड प्लस सी। ठीक है, अगला देखिएगा पांच नंबर 1/√a² - x² रहे तो इस तरह से आप जो आपको याद ही होगा 1 - x² किसका होता था, साइन इनवर्स x का, तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि ये साइन इनवर्स x है, लेकिन यहाँ एक के चलते a आ गया इसीलिए साइन इनवर्स x/a लगाएंगे और प्लस में c तो आपको जोड़ना ही। ठीक है, ये फॉर्मूला देखिएगा कि 1/√x² + a² रहे तो क्या लिखेंगे, लॉग मोड x प्लस √x² + a² प्लस सी। यहाँ पर आपको एक दो बार इस फॉर्मूला को जरूर लिख लीजिएगा, छोरत्तन को यानी एक से लेकर छः तक वाला को, ताकि आपको याद हो जाए और हम जब आपको थ्योरी का क्लास में बताएंगे तो उसको हम प्रूफ करके भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों को छोरत्तन। एक फॉर्मूला आपको 7.4 में और जरूरत पड़ने वाला है, वह कौन सा है देख लीजिए कि इंटीग्रेशन आपका px + q / ax² + bx + c या इस तरह से रह सकता है px + q / √ax² + bx + c। देखिए इसमें रूट लगा हुआ है, इसमें रूट नहीं लगा हुआ है, तो हो सकता है रूट लगा हो या रूट न लगा हो। इस रूप का क्वेश्चन आप लोगों को 7.4 में मिलता है, तो इस तरह के सवाल बनाने के लिए हमको एक चीज़ का इस्तेमाल करना होता है कि जो भी ऊपर लिखा हुआ रहता है ना उसको माना जाता है। क्या माना जाता है, तो a इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ नीचे वाला, जो भी नीचे वाला आपको दिखाई देगा, जैसे पर देख पा रहे हैं ax² + bx + c दिखाई दे रहा और प्लस में आपको b मानना है। ठीक है, तो यहां पर आपको a कैपिटल a और कैपिटल b नया चीज है, इसको a और b का मान निकाल कर फिर यहां पर आपको रखना होगा। तो हम आपको क्वेश्चन जब बताएंगे तो उसमें आपको इसके बाद आगे कैसे बनाएंगे यह बताएंगे। पहले आप कम से कम इतना जरूर याद रखें कि अगर इस तरह का हो या इस तरह के रूट में हो तो आप px + q बराबर कितना मानेंगे, तो a इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ नीचे वाला और प्लस में b। ये 7.4 में आपको यूज करेगा, यानी कि आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए अब अगला फार्मूला देखते हैं। अगला देखिएगा, अगला जो आपका फार्मूला है वो है आपका तीन रत्न। इसलिए बोले क्योंकि यह तीन को फार्मूला है, 7 नंबर 8 नंबर और 9 नंबर। ये जो आपको काम करने वाला है वो है 7.7 में काम करेगा। ठीक है, ये कौन सा एक्सरसाइज में काम करेगा, 7.7 में काम करेगा। अब आप सोच रहे होंगे सर 7.56 कहाँ गया, तो आने वाला है। ठीक है, ये साथ में आप याद रख लीजिएगा, ये 6 रत्न जो आपको बताए थे उसी में 3 रत्न यानी कि 3 को और, तो इसको अगर पूरा मिला दे तो 9 रत्न हम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ये देखिए 3 रत्न में √x² - a² हो, √ इसी को उलट दिए तो a² - x² हो और इसी को माइनस के चलते क्या कर दिए, प्लस कर दिए। तो इस तरह से तीनों क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया कि पहला x² - a², दूसरा a² - x², तीसरा x² + a². तो देखिए इस फॉर्मूला को आप थोड़ा सा याद अच्छा से करना होगा लिख कर कि x² - a² रहे तो इसको हम क्या लिखते हैं, x/√x² - a² - a² / 2 log मोड x प्लस √x² - a² + c। देखिए यहाँ जो आप, ये तो सेम चीज़ है, यहाँ पर भी आपका सेम है, बस यहाँ पर क्या है x + √ और यहाँ पर a² / 2 याद रखिएगा। ये देखिए इसी का अगला फार्मूला है, इसी से हम उलट दिए हैं तो नया फार्मूला बना है कि x/2, ये तो सेम चीज़ है, ये जो यहाँ रहेगा वही लिख दीजिएगा और प्लस इसमें दीजिएगा और a² - x² याद कीजिए कि √ इसमें आप जो याद कीजिए यहाँ पर a² - x² का क्या होता था, साइन इनवर्स x, तो बस आपको इसमें ऐड कर देना है a² / 2 साइन इनवर्स x/a और प्लस में आपको क्या जोड़ना है c। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। लास्ट इसका देख लीजिए, इंटीग्रेशन x² + a² अगर रहे प्लस में तो ये तो आप सेम लिखिएगा, पहले x/2, देखिए सब में x/2 लिखना है और जो यहाँ है वो पहला लिखना है, तो पहला तो ये आप लिख ही पाएंगे, दूसरा में आपको a² / 2 सब में a² / 2 लगाना है, उसके बाद देख लीजिए तो लॉग मोड एक्स प्लस √x² + a² + c। देखिए ये जो फॉर्मूला है और ये सेम ही है, यहाँ पर देख सकते हैं लॉग मोड एक्स प्लस में था, यहाँ पर माइनस था तो माइनस और यहाँ पर प्लस है तो प्लस रहेगा। ठीक,
और बाकी सब इसमें तो जो रहता है वही है। तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं, एक दो बार लिखकर भी प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ यानी कि अगला टॉपिक पर बढ़ते हैं। फॉर्मूला हमें कौन सा एक्सरसाइज में, ये है आपका पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्न। तो ये जो फॉर्मूला हम आपको अभी बताने वाले हैं वो आपको यूज होगा 7.5 में, ठीक है। एक्सरसाइज आप देखिएगा तो 7.5 में आपको इतना फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगा। इसको पार्शियल फ्रैक्शन इस रूप में आपका क्वेश्चन दिखाई देगा, पी एक्स प्लस क्यू बटा एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। तो नीचे गौर से देखिए दो गो ब्रैकेट है, तो दो गो ब्रैकेट अगर रहे तो आप इसको इस तरह से लिखिएगा, ए बट्टा पहला ब्रैकेट प्लस बी बट्टा दूसरा। जैसे एक्स माइनस ए पहला लिखे, फिर क्या लिखे, एक्स माइनस बी दूसरा। उसी तरह से एक और यहां पर देख पा रहे होंगे कि पी एक्स प्लस क्यू बट्टा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। जैसे देखिए यहां पर एक्स माइनस ए था और एक्स माइनस बी डिफरेंट ब्रैकेट है, दोनों अलग अलग था, लेकिन अगर ये दोनों सेम हो जाता तो स्क्वायर लिख सकते थे ना। तो अगर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इस रूप में रहे तो आप कैसे मानेंगे, तो ए बट्टा सिंगल कहने का मतलब x माइनस ए और प्लस b बट्टा इस डबल को लिखेगा इसका स्क्वायर, तो x माइनस ए का होल स्क्वायर। जैसे आपका क्वेश्चन यहाँ पर रह सकता था x माइनस टू का स्क्वायर, तो आप कैसे मानते a बट्टा x माइनस टू और फिर b बट्टा x माइनस टू का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आप पहले आप इस पांच को, इसमें फॉर्मूला है, इस पांचों को रूल समझ लीजिए कि आपको कौन सा इसी पांचों पर आपका क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो पहला और दूसरा समझ गए, तीसरा देखिएगा, तीसरा जो आपका रूल्स इस तरह से रहेगा पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, यहाँ पर आपको कोई नंबर्स हो सकता है कांस्टेंट इस तरह से मिलेगा आपको, और नीचे में आपको तीन गो ब्रैकेट रहेगा जैसे एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। अगर तीन गो ब्रैकेट में इस तरह से मिलता है तब क्या कीजिएगा, ए बट्टा पहला प्लस बी बट्टा दूसरा प्लस सी बट्टा तीसरा, ये तो आराम से मान सकते हैं। देख लीजिए एक बार अच्छा से, ए गो दो गो तीन गो, तीन गो ब्रैकेट है तो ए बट्टा पहला प्लस बी बट्टा दूसरा प्लस सी बट्टा तीसरा, ठीक। चौथा नंबर देखिएगा, चौथा और पांचवा देखना आपको, चौथा देखिएगा पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बट्टा, यहाँ पर देखिए इसमें तीन गो ब्रैकेट था, इसमें भी तीन गो है, लेकिन गौर से देखिए एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर है, मतलब दो गो सेम हो गया इसलिए इसको स्क्वायर कर दिया गया। तो अगर ऐसा आपको दिखे, इस रूप का क्वेश्चन अगर आपको दिखता है 7.5 में, तब आप क्या कीजिएगा, ए बट्टा पहले सिंगल लिखिएगा, सिंगल कहने का मतलब एक्स माइनस ए, प्लस बी बट्टा इसका स्क्वायर लिखिएगा एक्स माइनस ए का स्क्वायर, और प्लस सी बट्टा तीसरा लिख दीजिएगा, ठीक है। सी बट्टा तीसरा आपको दिखाई दे रहा है एक्स माइनस बी है, तो देखिए इसमें भी तीन गो ब्रैकेट है, लेकिन आप ऐसा नहीं समझिएगा कि दुए गो तीन गो है, एक्स माइनस ए और एक्स माइनस ए स्क्वायर कहने का मतलब दो गो हुआ ना, और एगो ये तो तीन गो है, तो ए बट्टा सिंगल बी बट्टा डबल और सी बट्टा तीसरा, ठीक। लास्ट जो आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बट्टा एक्स माइनस ए, और ए को दुई घात रहेगा जिसका फैक्टर किया जाना पॉसिबल नहीं है। यहां जो आपको दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका फैक्टर नहीं होगा, गुणनखंड नहीं हो सकता है। और अगर इस तरह का आपको प्रश्न मिलता है क्वेश्चन में कि x माइनस ए और एगो यहाँ पर दुई घात ब्रैकेट में, तब आप क्या कीजिएगा, तो a बट्टा सिंगल यहाँ पर वाला लिख दीजिएगा पहले, या जैसे आप मान लीजिए यहाँ रहता है x माइनस टू तो लिख देते x माइनस टू, और प्लस क्या लिखते bx एक्स प्लस सी, अब बट्टा में यहाँ पर जो भी आपका ब्रैकेट हो, जो फैक्टर न संभव हो तो उसको आप यहाँ लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जहाँ पर यह बात जरूर याद रखिएगा कि इसका फैक्टर संभव नहीं है, अगर मान लीजिए फैक्टर संभव है तो पहले आप उसको फैक्टर कर लीजिएगा, और यही आपको एक से लेकर पाँच तक में कोई ना कोई रूप पर मिल जाएगा 7.5 में। तो ये पांचों आप जरूर अच्छा से याद रखिएगा, कि अगर आप इस पांचों फॉर्म को अच्छा से देखकर याद रख लेते हैं तो आप क्वेश्चन जैसे ही देखिएगा तो आपका दिमाग काम करने लगेगा कि कौन सा हमें रूल यूज करना है, ठीक है। तो यहां तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं अगला जो टॉपिक है आप लोगों का, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। देख पा रहे होंगे आप लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी खंडशः समाकलन जिसको बोलते हैं। ये जो आप हम जो आपको फॉर्मूला बताने वाले हैं ये यूज होने वाला है 7.6 में, ठीक है। 7. किस में, 6 में। तो इसमें आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किसको बोलते हैं, तो यू इन टू वी के जो फॉर्मूला होता है उसी को हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि u इंटू वी का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो पहले हम क्या करते हैं u को बाहर कर लेते हैं। देखिएगा फॉर्मूला लिखने का तरीका समझिए, आपको याद हो जाएगा। u को बाहर करते हैं फिर v का इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक। माइनस इंटीग्रेशन का साइन देंगे और ये ब्रैकेट खींच देंगे इस तरह से, ठीक है। ये ब्रैकेट दिखाई दे रहा है बड़ा ब्रैकेट, और बड़ा ब्रैकेट में दो गो चीज लिखा हुआ है, पहला तो लिखा गया u का डिफ्रेंसिएशन और फिर इंटू में इस v का इंटीग्रेशन और बाद में dx। एक बार फिर से समझिएगा u इंटू वी का इंटीग्रेशन क्या है, पहले तो u को बाहर किए
वी का इंटीग्रेशन, ये तो आप लिख सकते हैं, माइनस इंटीग्रेशन का साइन दे दीजिएगा और एक बक्सा तैयार कर लीजिएगा इस तरह से बराबर आएगा। ठीक, बक्सा में आपको दो को चीज लिखना है, यू का डिफ्रेंसिएशन और वी का इंटीग्रेशन, और बाद में आपको डीएक्स लगा देना है। क्या आप लिख सकते हैं, एक बार लिख के अभी देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो जरूरत वाला चीज है वह है आई लेट। ये शब्द आपको अच्छा से याद रखना है, और ये अगर आप याद नहीं रखते हैं, इसको आप नहीं समझते हैं, तो आपको दिक्कत हो सकता है। इसलिए उस दिक्कत को दूर करने के लिए इसको हम समझाते हैं। आई लेट, आई लेट का क्या मतलब होता है? आई का भी मतलब अलग होता है, एल का अलग, ए का अलग, टी का अलग और ई का अलग। तो देखिएगा, आई से क्या होता है, तो इनवर्स ट्रिगो, आप समझते हैं ना, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक। तो क्या क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, इटीसी, इस तरह से। तो जो आपको अगर साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स है, तो इसको हम किसके अंतर्गत मानेंगे, आई के अंतर्गत मानेंगे। ठीक है, उसी तरह से एल क्या बोलते हैं भाई, तो एल लॉगारिथमिक फंक्शन को बोलते हैं। लॉगारिथमिक कहने का मतलब लॉग एक्स, लॉग टू एक्स, लॉग एक्स प्लस थ्री, इस तरह से अगर लॉग रहेगा तो उसको हम एल कहेंगे। क्या कहेंगे, एल। अब ए किसको कहेंगे, तो अलजेब्रिक फंक्शन, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में बीजगणितीय फलन, जिसको आप ऐसे रख सकता है, एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू, एक्स के पावर फोर, इटीसी, इस तरह से। तो इसको हम कौन सा फंक्शन बोलेंगे, ए बोलेंगे। उसी तरह से आपका टी आता है, बाद में टी आता है ना, तो टी किसको बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आप जानते हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉट एक्स, एक एक्स, छ गो होता है, इटीसी, इस तरह से लिख सकते हैं। तो इस सबको हम किसके नाम से जानेंगे, टी के नाम से। और एक जो लास्ट जो आपका बचता है, ई, और ई से बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसको बोलते हैं, ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर टू एक्स, ई टू द पावर थ्री एक्स, etc. तो अब आप बताइए कि ये हम अभी जान लिए कि भाई I, L, A, T, E का क्या मतलब होता है। अब इसमें आपको एक चीज याद रखना है कि जब U into V जब बनाइएगा, तो आपको ये वो बात समझना है कि आईलेट शब्द में जो लेटर पहले आएगा उसी को U मानना है। जैसे अगर मान लीजिए कि आपको एगो मिल गया x और एगो साइन इनवर्स x मिल गया, क्वेश्चन में आपको अगर आपको ऐसे मिल जाए x इंटू साइन इनवर्स x dx मिल जाए, तब क्या कीजिएगा, x कौन सा है, तो देख लीजिए x तो a है और साइन इनवर्स x क्या है, i है। तो अब आप देखिए a पहले आता है कि पहले i आता है, तो देख लीजिए पहले a आता है कि पहले i आता है, तो पहले i आता है, तो इसीलिए हम इस साइन इनवर्स x को u मानेंगे। ये बात आप समझ गए ना, तो जो लेटर पहले आएगा उसी को आप u मानिएगा और जो बाद में आएगा उसको v मानिएगा। ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला क्या देखते हैं। अभी तक हमने आपको जो भी फॉर्मूला बताया वह इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का था, अब हम आपको फॉर्मूला बताएंगे डिफिनिट इंटीग्रेशन, जिसको आप निश्चित समाकलन करते हैं। पहले हम आपको बताएं कि दो तरह का इंटीग्रेशन आप लोगों को पढ़ना है, एक अनिश्चित और एक निश्चित। तो ठीक है, तो निश्चित में आपको दो फॉर्मूला याद रखना है, किस तरह से, एक होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल, समाकलन का आधारभूत प्रमेय जिसको बोलते हैं, और एक होता है एज लिमिट ऑफ सम, यानी योग के सीमा के रूप में आपको इस तरह से दो फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। पहला फॉर्मूला से ही आपका सारा क्वेश्चन बनता है, इससे कभी कभी आप लोगों से सवाल पूछा जाता है, लेकिन आपको फॉर्मूला तो दोनों याद रखना है। देखिए पहला फॉर्मूला आपका इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स, तो देखिए इसमें लिमिट लगा दिया गया है ए से बी। ठीक है, तो ए से बी जैसे ही लिमिट लगा दिया गया तो इसको हम डिफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक, तो डिफिनिट इंटीग्रेशन के में अगर लिमिट लगा हुआ है तो इसको हम कैसे बनाते हैं, मान लीजिए स्मॉल एफ एक्स था, इसका इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स आया और लिमिट आपका ए से बी है, तो सबसे पहले करना क्या होता है, यहां जो आपको एक्स दिखाई दे रहा है, एक्स के जगह पर पहले आपको बी लिखना है, और यहां पर देख पा रहे हैं कि एफ बी लिखे, फिर आपको बीच में किसका साइन देना है, माइनस का, फिर आपको किस क्या लिखना है, एफ ऑफ ए, जहां पर आप याद रखेंगे ए को क्या बोलते हैं, बी को क्या बोलते हैं। तो देखिए ए को बोलते हैं लोअर लिमिट, यानी निम्न सीमा, नीचे जो है वो उसको लोअर बोलेंगे और जो ऊपर है उसको अपर बोलेंगे। ठीक है, तो बी को क्या बोलेंगे, अपर लिमिट यानी उच्च सीमा। तो पहले सबसे पहले करना क्या है, इसका फॉर्मूला यह है कि पहले आप इंटीग्रेशन कर लीजिए और उसमें एक बार ऊपर वाला लिमिट लगा दीजिए और माइनस के बाद कौन सा, नीचे वाला लिमिट लगा दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से ई फॉर्मूला तो आपको याद ही हो गया क्योंकि बहुत ही सस्ता फॉर्मूला है। और दूसरा जो एज लिमिट का फॉर्मूला है वो थोड़ा सा समझिए कि ए से बी एफ एक्स डी एक्स है तो इसको योग के रूप में कैसे लिखते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो h सिग्मा r बराबर 1 से लेकर n तक, इसको क्या पढ़ते हैं, सिग्मा r बराबर 1 लिखा गया है, 1 से लेकर कै तक, n तक, और f a प्लस r h, जहां पर f, यहां पर आपको एक वो चीज याद रखना है कि nh का मान क्या होता है, तो b माइनस a होता है। एक बार फिर से देख लीजिए, nh का मान आपको याद रखना है b माइनस a। ठीक है,
तो बस इसमें आप निकालिएगा, तब आपको यहाँ पर एक NH का मान आपको रखना पड़ेगा। तो NH के लिए आप याद रखेंगे बी माइनस ए। तो इस फॉर्मूला का यूज जब हम करेंगे तो किसके रूप में, एज लिमिट ऑफ सम के रूप में। और ये जो फॉर्मूला आप डायरेक्ट आप बना सकते हैं, देखिए दोनों क्वेश्चन सेम ही है, आप इस तरह से भी बना सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं। ये आपका लॉन्ग मेथड है और ये आपका शॉर्ट मेथड है, ठीक है। तो ये तो आप दोनों समझ गए होंगे। अब हम लोग लास्ट टॉपिक समझना है, वह है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन, यानी समाकलन के गुणधर्म। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसको अगर आप समझ लेते हैं तो आपका इस टॉपिक से 5 नंबर का एक सवाल निश्चित रूप से हर साल आता ही आता है। तो इसमें आपको 7 को फॉर्मूला समझने हैं, 7 को समझिए, प्रॉपर्टीज समझना है। इस तरह से आप अगर आप 0 से काउंट करेंगे तो 8 को पूरा जाएगा, पहला P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6 और P7, यानी 7 को आपको इस तरह से समझना है। तो पहला आपको प्रॉपर्टीज क्या है थोड़ा सा देखिएगा अच्छा से, कि पहला प्रॉपर्टीज है a से b fx dx रहेगा, तो उसको आप किस तरह से लिख सकते हैं, a से b लिमिट तो सेम लिखे हैं, यहाँ पर x था तो यहाँ पर हम क्या लिख दिए, t लिख दिए हैं, और यहाँ पर x था यहाँ पर भी t लिखे। मतलब यह हुआ कि अगर x के रूप में कोई फंक्शन है तो हम लिमिट सेम रखेंगे, और अगर फंक्शन का वेरिएबल चेंज कर देंगे, मतलब अगर x के रूप में है अगर हम उसको t के रूप में या थीटा के रूप में लिख दें तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, दोनों क्या होगा बराबर ही रहेगा, ठीक है। पहला यानी P0 प्रॉपर्टीज का था। अब हम लोग देखते हैं दूसरा यानी कि P1 जो प्रॉपर्टीज है वह है a से b fx dx बराबर हम क्या लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिमिट a से b है, और ये देखिए b से a कर दिए हैं, देखिए लिमिट को हम चेंज कर दिए। अगर आप लिमिट को चेंज करते हैं ना तो उसका साइन बदल जाता है, जैसे अगर मान लीजिए इसका प्लस में आंसर आता, अगर आप इस लिमिट को चेंज कर देते हैं तो इसका आंसर किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ये दूसरा नंबर प्रॉपर्टीज, मतलब कहने का मतलब P1 प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अब P2 प्रॉपर्टीज क्या कहता है देखिएगा, a से b fx dx रहेगा तो इसको आप 2 भाग में बांट सकते हैं, कैसे देखिए, पहला भाग आप कहां से कहां तक देख लीजिएगा, a से c, और दूसरा भाग कहाँ, सी से बी। इस बात को ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए यहाँ ए है, यहाँ पर आपका बी है और यहाँ पर सी है, तो इस पूरे ए से बी पार्ट को आप लिख सकते हैं ना, ए से पहले सी और फिर ए सी से बी, तो वही चीज़ लिखा गया है, ए से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस फिर क्या लिखा गया, सी से बी, तो देखिए सी से बी एफ एक्स डी एक्स, मतलब ए से बी एफ एक्स डी एक्स को आप 2 भाग में कर सकते हैं, ए से सी एफ एक्स डी एक्स, दूसरा सी से बी एफ एक्स डी एक्स, ये समझ गए, जहाँ पर सी का जो मान होगा ए और बी के बीच में होगा, ठीक। तो दूसरा तो समझ गया, तीसरा देखिएगा यानी P3 जो प्रॉपर्टीज़ है वह क्या है देख लीजिए, a से b एफ एक्स डी एक्स अगर क्वेश्चन रहता है तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्या लिमिट तो सेम है a से b, और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ये जो आपको x दिखाई दे रहा है इस x के चलते आप क्या लिख सकते हैं, इस दोनों लिमिट को जोड़ सकते हैं, कौन दोनों लिमिट को, a और b को, और उसमें से किसको घटा सकते हैं x, यानी कि आप यूँ समझिए ऐसे कि x के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी माइनस एक्स भी अगर लिख दे तो दोनों का जो मान होगा वह बराबर होगा। जब हम आपको थ्योरी के क्लास में बताएंगे, जब क्वेश्चन बताएंगे तो इसको हम आपको प्रूफ करके भी बताएंगे, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। तो पहले तो आप इस फॉर्मूला को ज़रूर अच्छा से समझते जाइए एक एक करके। और अगला फॉर्मूला देखिएगा, आपका जो 4 नंबर है ये सबसे ज़्यादा कीमती है, और इसीलिए हम इसको अंडरलाइन करके घेर दिए अच्छा से, ठीक है। ये देखिए 4 नंबर स्पेशल है क्योंकि नीचे 0 है और ऊपर में a है, ठीक। सब में देखिए, ये जो अभी आपको ये चारों जो फॉर्मूला बताया, सब में a से b था, सब सेम ही था, लेकिन आप ये चारों फॉर्मूला अलग अलग लगा सकते थे, लेकिन यहाँ जो P4 जो है वो स्पेशल है 0 से a। तो प्रश्न जो है आप लोगों से सबसे ज़्यादा इसी पर पूछा जाता है, 0 से a वाला पर। तो इसका प्रॉपर्टीज देख लीजिए, 0 से a एफ एक्स डी एक्स रहेगा, तो इसको हम क्या लिखते हैं, 0 से a एफ ए माइनस एक्स। देखिए ये जो 4 नंबर जो फॉर्मूला है वो 3 नंबर से ही निकला है, कैसे देखिए, यहाँ पर देख लीजिए a का मान 0 है तो यहाँ पर 0 रखेंगे, b का मान यहाँ पर a है तो a लिखेंगे, तो 0 में a जोड़ेंगे तो a ना रह जाएगा, तो इसीलिए a माइनस एक्स ही डायरेक्ट इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो 4 नंबर आपका बहुत ही काम का फॉर्मूला है, इसको आप हमेशा के लिए ज़रूर याद रखेंगे, ठीक। अगला देखिएगा 5 नंबर यानी P5। 5 नंबर है 0 से 2a, अगर 0 से 2a रहता है तो इसको आप 2 भाग में बांट सकते हैं, पहला भाग आएगा 0 से a एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, और दूसरा जो भाग आएगा 0 से a ही रहेगा, लेकिन इसमें आपको लिखना है एफ 2a माइनस एक्स। एक बार फिर से समझिए, 0 से यहाँ पर 2a लिमिट दिखाई दे रहा है, तो पहला 0 से, फिर दूसरा भी 0 से, लेकिन पहला में एफ एक्स लिखना है और दूसरा में एफ एक्स के नहीं लिखना है, बल्कि क्या लिखना है एफ 2a माइनस एक्स। और तो ये इसका वैल्यू और इसका वैल्यू बराबर ही होता है, यानी कि आप P5 में ऐसा प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं।
P6 देखिएगा, 0 से 2 ए अगर एफ एक्स डी एक्स है, सेम है, देखिए 5 से ही 6 निकाला गया है, ठीक है ना, कि P6 से हम 6, देखिएगा P6 से हम कैसे निकालते हैं, ये अगर मान लीजिए इसका वैल्यू एफ एक्स आ गया, देखिएगा इसको पहले समझिए, एफ टू ए माइनस एक्स का मान मान लीजिए एफ एक्स आ गया, तो सोचिए यह भी एफ एक्स यह भी एफ एक्स, एफ एक्स कै गो एफ एक्स, दू गो, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं ना, दू जीरो से एफ एक्स डी एक्स, तो दू जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स, इसका फॉर्मूला कब काम करेगा, जब टू ए माइनस एक्स किसके बराबर हो, प्लस एफ एक्स के बराबर हो, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि टू ए माइनस एक्स किसके बराबर कर जाए, माइनस एफ एक्स के बराबर कर जाए, तो सोचिए ये तो प्लस में है, और अगर इसका मान माइनस में आ जाए तो माइनस और ये प्लस तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, जीरो बचेगा, तो इस तरह से आप याद रखेंगे कि जीरो से टू एफ एक्स डी एक्स का दो फॉर्मूला, एक टू जीरो से एफ एक्स डी एक्स और एक जीरो होता है, ये कब होगा, जब टू ए माइनस एक्स प्लस एफ एक्स, और जीरो कब होता है, तो जब टू ए माइनस एक्स किसके बराबर, माइनस एफ एक्स के बराबर, ठीक है। अगला जो लास्ट आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक नंबरिया सवाल तो इसी से पूछा जाता है, यानी एक नंबर का जो सवाल होता है इससे हर साल पूछा ही जाता है, इसको आप लोग समझते हैं अच्छा से, देखिएगा ध्यान से, माइनस ए से ए रहेगा, इसका लिमिट सेम है, देखिएगा ध्यान से, दोनों लिमिट सेम है, बस एगो माइनस में रहेगा और एगो कथी में रहेगा, प्लस में रहेगा, तो इसका भी दो गो फॉर्मूला काम करेगा, एक दू जीरो से ए, ध्यान दीजिएगा, दू जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स लगाएंगे और इसी का मान जीरो भी लिखेंगे, तो दू को कब होगा, दो जीरो से ए एफ एक्स कब होगा, जब एफ माइनस एक्स रखेंगे और निकल के आएगा प्लस एफ एक्स, यानी कि जिसको हम इवन फंक्शन के नाम से जानते हैं, यानी सम फलन बोलते हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा, सम फलन किसको बोलते हैं, अगर एफ माइनस एक्स रखते हैं और अगर वो प्लस में निकल जाए तो उसको हम सम बोलते हैं, अगर सम फलन होता है तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, दू जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि यह विषम फलन है, जैसे f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर कर जाए, तो इसी का वैल्यू जो है जीरो हो जाएगा। अब जीरो कब होगा, तो ऑड फंक्शन या जिसको आप विषम फलन बोलते हैं, यानी कि एफ एक्स एफ माइनस एक्स किसके बराबर हो जाए, माइनस एफ एक्स को, तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, तो याद रखिएगा इसका दो गो फॉर्मूला, पहला तो दू जीरो से ए हो जाएगा, कब, जब एफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर हो जाए, और इसी का मान जीरो होगा, कब, जब एफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर हो। तो इस तरह से हमने आपको इंटीग्रेशन में जो भी यूज होने वाला फॉर्मूला है सारे फॉर्मूलाओं को हम एक एक कर आपको समझाने का प्रयास किए हैं। तो इस वीडियो को बनाने में हम लोगों को मेहनत भी बहुत लगा है, तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा इस वीडियो से फ़ायदा मिलता है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों के साथ जितना हो सके इसे शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सके। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद ज़रूर आया होगा, तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।